एक नंबर मतलब आप सब लोग बहुत बहुत सही हो यार पता है मज़ा आता है मतलब मैं तो ऐसे इन्जॉय करता हूँ ना जैसे मेरे कॉलेज के दोस्तों के साथ में लाइफ इन्जॉय करता था ना एकदम बेधड़को एक ऐसा इन्जॉयमेंट लगता है पता मज़ा आता है एक नंबर मतलब मज़ा आती है एकदम शानदार मतलब दिल खुश हो जाता है और जिस दिन यहाँ पर नहीं, हाँ पे नहीं आओ ना तो ऐसा लगता था ला यार दिन में यार कुछ तो भी आज मज़ा पूरा अधूरा अधूरा सा रह गया यार कुछ मज़ा नहीं आया टॉपिक स्क्रीन पे देख रहे हो उसमें से इनिशियल थ्री टॉपिक्स तो इन -on पर पर सबसे पहला टॉपिक लेते हैं और सबसे पहले टॉपिक का नाम क्या है देखिए स्क्रीन पे तो अभी हम लोग स्टार्ट करने जा रहे हमारा पहला टॉपिक जिसका नाम है डिस्चार्ज एंड टर्मिनेशन ऑफ कॉन्ट्रैक्ट समझना भाइयों था

ऑफरी का ऑप्लीकेशन क्या है कि भाई ऑफरी को पांच लाख रुपए पे करना है यदि ऑफरी ऑफरर को पांच लाख पे कर दे और ऑफरर ऑफरी को कार ट्रांसफर कर दे तो यहां पे दोनों ही पार्टी ने क्या किया अपने 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 को को फुलफिल फुलफिल कर कर दिया दिया एंड दोनों ही पार्टी ने मतलब कॉन्ट्रैक्ट की जो टर्म्स एंड कंडीशन थी वो फुलफिल हो गई है अब कॉन्ट्रैक्ट जो है वो क्या हो गया तुम लोगों का खत्म हो गया डिस्चार्ज हो गया अब किसी का भी कोई भी ऑब्लीगेशन रिमेनिंग नहीं है पॉइंट पॉइंट नंबर नंबर यदि भाई जो पर्टिकुलर टाइम था वो पर्टिकुलर टाइम पीरियड लैप्स हो जाता है तो वो ऑटोमेटिकली कॉन्ट्रैक्ट जो है वो कॉन्ट्रैक्ट क्या हो जाएगा डिस्चार्ज या टर्मिनेट हो जाता है थर्ड पॉइंट भाई म्यूचुअली यदि कॉन्ट्रैक्ट की दोनों पार्टी आपस में समझ लेती है और दोनों आपस में समझने के बाद ये बोल देती है कि हाँ भाई प्रैक्टिकली इट इज नॉट पॉसिबल कि अब हमारी जो भी टर्म्स एंड कंडीशन थी जो भी कॉन्ट्रैक्ट का सब्जेक्ट मैटर था उस पर हम लोग क्या कर सकते हैं कोई भी डिस्कशंस कर सकते हैं या आगे फर्दर प्रोसीडिंग कर सकते हैं तो जब दोनों ही पार्टी आपस में म्यूचुअली डिस्कस करके अपने कॉन्ट्रैक्ट को खत्म करने का निर्णय ले लेती ले ले है उसको डिस्चार्ज करने का निर्णय ले लेती ले है तो भाई उस केस में भी वो क्या माना जाता है डिस्चार्ज ऑफ कॉन्ट्रैक्ट लेकिन बात आती है टर्मिनेशन की तो देखो टर्मिनेशन एंड डिस्चार्ज बोथ आर मोटेंटिस मोटेंडिस सॉरी मोटेंटिस एप्लीकेबल मतलब ये सेम टू तो सेम है एक जैसे है मिलते जुलते हैं अब यहां पर क्या होता है सुनना कि भाई कॉन्ट्रैक्ट में तुमने क्या किया कोई निनोवेशन निनो रिनोवेशन <laughs> आपने कॉन्ट्रैक्ट में क्या किया कोई ऑल्ट्रेशन कर दिया कोई मटेरियल चेंजेस कर दिए, आपने कोई रिनोवेशन कर दिया कोई नोवेशन कर दिया या भाई जो कॉन्ट्रैक्ट के इंपॉर्टेंट एलिमेंट्स थे टॉपिक तो से, वाले से सर, हम लोगों को क्या शिक्षा मिलती है डिस्चार्ज एंड टर्मिनेट वाले टॉपिक से अल्टीमेटली हम लोगों को यह शिक्षा मिलती है दोस्तों कि यहां पे आने के बाद अब आपका जो कॉन्ट्रैक्ट है वो कॉन्ट्रैक्ट खत्म हो जाता है मतलब या तो वो बोनाफाइड इंटेंशन से हो सकता है या फिर मेलाफाइड इंटेंशन से होगा बोनाफाइड इंटेंशन का मतलब जिसके जो-जो ऑब्लिगेशन जो है वो ऑब्लिगेशन फुलफिल कर दिए या म्यूचुअली उन्होंने डिसाइड कर लिया भाई कॉन्ट्रैक्ट जो है वो खत्म हो गया तो यदि कोई पार्टी मेलाफाइड इंटेंशन से अपने कॉन्ट्रैक्ट को ब्रीच करती है तो फिर वो ब्रीच ऑफ कॉन्ट्रैक्ट माना जाता है तो ये फर्स्ट टॉपिक सिंपल है आपकी माइंड मैपिंग के लिए बहुत जरूरी था कि भाई डिस्चार्ज एंड टर्मिनेशन ऑफ कॉन्ट्रैक्ट क्या होता है अब जो सेकंड टॉपिक अपन लोगों के पास में वो है डिस्चार्ज बाय इम्पॉसिबिलिटी टू परफॉर्म या फिर इसको एक और नाम बोला जाता है ऑफ फ्रस्ट्रेशन तो भाई इम्पॉसिबिलिटी क्या होती है फ्रस्ट्रेशन क्या होता है इन दोनों टॉपिक को अपन लोग यहां पर एक एग्जाम्पल से समझने की कोशिश करते हैं सबसे पहले भाई यदि दो पार्टी किसी कॉन्ट्रैक्ट में एंटर होती है तो या तो जिस समय वो किसी कॉन्ट्रैक्ट में एंटर्ड हो रहे हैं ना फ्रॉम बिगिनिंग ही वो होता है। कैसे? तुम को एक एग्जाम्पल दू मैं जैसे कल वो बबलू ने मुन्नी को बोला था कि बस मुन्नी एक बार तू हाँ कर दे मैं तेरे लिए आसमान से चांद सितारे तोड़ के लाऊंगा तो बताओ ना क्या चांद सितारे तोड़ के लाना इज दैट मच पॉसिबल सर दैट मच क्या इतो सा भी पॉसिबल नहीं है

परफॉर्म करने की बारी आई तब पता लगा कि जो सब्जेक्ट मैटर है वो सब्जेक्ट मैटर ही क्या हो गया डिस्ट्रॉय हो गया है देखो तुम लोगों के सामने मैं एक एग्जांपल लेता हूं ये 20 डेज प्लेज के सक्सेस पार्टी हम लोगों ने ऑर्गेनाइज की और बोले इस पार्टी में हम लोग ना इंडिया के जो सबसे फेमस सिंगर है उन फेमस सिंगर को हम लोग बुलाने वाले थे कॉन्ट्रैक्ट हो गया उन्होंने डेट फाइनल कर दी डेट फाइनल करने के बाद में हमारे सारे शो के टिकट वगैरह बिक चुके थे लेकिन जिस दिन उनका कॉन्सर्ट था जिस दिन उनका शो था भाई उस दिन दोपहर में उनकी सेक्रेटरी का फोन आता है कि बोले हेलो सर इधर से मैंने भी बोला बोलो क्या हुआ बोले सर जो हमारे परफॉर्मर है जो हमारे स्टार सिंगर है उन स्टार सिंगर को थ्रॉट कैंसर डिटेक्ट हो गया है और अगले कुछ महीनों तक अब वो परफॉर्मेंस नहीं कर पाएंगे और जैसे ही उन्होंने बोला तुरंत मेरे मुंह से निकला ओ माई गॉड बहुत बुरा हुआ ये अब हम लोग क्या करेंगे भाई कुछ नहीं ये कॉन्ट्रैक्ट ही खत्म हो जाएगा टर्मिनेट हो जाएगा वाई टर्मिनेट हो जाएगा बिकॉज ड्यू टू इम्पॉसिबिलिटी टू परफॉर्म मतलब इस टाइप के कॉन्ट्रैक्ट को परफॉर्म कर पाना पॉसिबल ही नहीं है तो भाई जब भी इम्पॉसिबिलिटी टू परफॉर्म होता है समझना बात ध्यान से दोनों के बीच में डिफरेंस बताऊंगा फ्रस्ट्रेशन और इम्पॉसिबिलिटी जब भी इम्पॉसिबिलिटी टू परफॉर्मेंस होता है इम्पॉसिबिलिटी टू परफॉर्मेंस में किस Impossible. यार मैं नहीं आऊंगा यार इस टाइम पे यार यार अपने ये देश के लोग जो है ना ये किसी भी चीज में ना मक्कारी ढूंढते किसी भी चीज में ये ढूंढते भाई कि कहाँ पे हमको कैसे काम नहीं करना पड़े कैसे हमको हमारे ऑब्लिगेशंस परफॉर्म नहीं करना पड़े बस इनका दिमाग ना सारे समय वही लगा होता है देखो हुआ क्या Impossibility टू परफॉर्म मतलब जब भी कोई impossibility टू परफॉर्म अराइज हो जाती है तो फिर वहां पर पार्टीज को अपने अपने ऑब्लीगेशन फुलफिल नहीं करना पड़ते बट एक पार्टी ऐसी है भाई जो मक्कार पार्टी निकली और वो मक्कार पार्टी ना अपनी फ्रस्ट्रेशन निकालने के लिए उसको इंपॉसिबिलिटी टू परफॉर्म का नाम दे रही है कैसे इंपॉसिबिलिटी टू परफॉर्म का नाम दे रही है समझने की कोशिश करना मैंने एक राजू काका है उन राजू काका से एक प्रॉपर्टी परचेज करी उनके पास में एक एग्रीकल्चरल लैंड थी मैंने बोला ठीक है यार अब पढ़ाई लिखाई कर ली है पढ़ाना लिखाना भी स्टार्ट कर दिया है थोड़ी बहुत प्रैक्टिस भी करते हैं अब ना यार लाइफ में सुकून चाहिए दूर जाएंगे फार्म हाउस करेंगे फार्म हाउस नहीं करेंगे फार्म हाउस में जाके खेती करेंगे हाँ पांच सात साल बाद कहीं दूर जाएंगे सुकून शांति प्रकृति के गोद में बैठकर खेती करेंगे फार्म हाउस मेंटेन करेंगे यार इसी इंटेंशन के साथ में ना मैंने आज से क्या करना स्टार्ट कर दिया था वहां पे इन्वेस्टमेंट करना स्टार्ट कर दिया था तो भाई तीन साल बाद मुझे पता लगा कि वो जो काका है ना उन काका ने अपनी एग्रीकल्चरल लैंड पे जो लगान पे करना होता है अब लगान मतलब टैक्स समझ लो यार तुम लोग ठीक है जो टैक्स वगैरह पे करना होता है वो टैक्स पे नहीं किया तो भाइयों अब क्या हुआ कि वो जो लोकल म्यूनसिपैलिटी वाले आए उन्होंने चारों तरफ से उस प्रॉपर्टी को कवर कर लिया और वहां पर एक बोर्ड लगा दिया कि भाई इस प्रॉपर्टी पे कब्जा ये लोकल अथॉरिटी का है अनटिल एंड अनलेस जब तक ये काका उसके ऊपर प्रॉपर्टी टैक्स का पेमेंट नहीं कर देते ओके okay. अब ना क्या हुआ अचानक से नेक्स्ट डे काका का मेरे पास फोन आया बोले बेटा मैं अब ये प्रॉपर्टी तुम्हें ट्रांसफर नहीं कर सकता हूं मैंने बोला काका ऐसा क्या हुआ काका ने बोला इट इज इम्पॉसिबिलिटी टू परफॉर्म कि मैं अब आपको ये प्रॉपर्टी ट्रांसफर कर पाऊ और बोले इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट में लिखा हुआ है कि जब भी इम्पॉसिबिलिटी टू परफॉर्मेंस हो जाए वहां पर किसी भी पार्टी का कोई भी ऑप्लीकेशन नहीं होता है मैंने बात को समझा मैंने मैटर समझा पूरी तरीके से एंड मैटर को समझने के बाद यह चीज पता लगी कि भाई काका इस प्रॉपर्टी को रिलीज करवा सकते हैं जो भी टैक्सेस वगैरह है अलॉन्ग विथ पेनल्टी का पेमेंट करके

है तो प्लीज ट्राई टू अंडरस्टैंड फ्रेंड्स सिंपल शब्दों में तुम लोगों को बोलूंगा, termination का मतलब होता है है से से भी भी हो हो जाना लेकिन frustration ये शो करता है, आप आप जबरदस्ती अपने obligation से नह चाहते हुए, भी बरी होना चाहते होना तो ऐसा होने नहीं देगा तो प्लीज टॉपिक आपको समझ में आना चाहिए क्या क्या होता है, frustration क्या होता है Next जो है 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 जो हमारे पास में वो जब कोई भी पार्टी अपनी हद बेहद तरीके से पार कर देती है जब भी कोई पार्टी अपनी हद बेहद तरीके से पार कर देती है तो भाई फिर उस केस में ना उनके बीच का जो कॉन्ट्रैक्ट है वो कॉन्ट्रैक्ट क्या हो जाता है ब्रिच हो जाता है और ये ब्रिच ऑफ कॉन्ट्रैक्ट को बोला जाता है कॉन्ट्रैक्ट का टूटना और भाई जब कोई भी घर के बर्तन टूटते हैं या जब भी कोई चीज टूटती है तो उनके टूटने की आवाज बहुत दर्दनाक होती है फिर चाहे नलायक हो तुम लोगों का दिल क्यों ना हो है ना ठीक है तो किसी भी चीज के टूटने की आवाज ना बहुत दर्दनाक होती है बहुत पेनफुल होती है ठीक उसी तरीके से ये कॉन्ट्रैक्ट के टूटने की जो आवाज होती है वो भी बहुत दर्दनाक होती है जो सुनाई नहीं देती है लेकिन कोर्ट जो है वो इसके अगेंस्ट में बहुत तेजी से एक्शन लेता है बहुत रिग्रस एक्शन लेता है और बहुत ही जबरदस्त तरीके से पेनल्टी वगैरह तुम लोगों के ऊपर इंपोज करता है तो ब्रिज ऑफ कॉन्ट्रैक्ट बोले कितने टाइप का होता है तो जो होता है है तो ऑफ कॉन्ट्रैक्ट वो दो टाइप का होता है पहला होता है एक्चुअल ब्रिज एंड दूसरा होता है एंटीसिपेटरी ब्रिज अब बोले सर ये एक्चुअल ब्रिज एंटीसिपेटरी ब्रिज क्या होता है सर प्लीज थोड़ा सा बता दो ना हमको कि एक्चुअल ब्रिज एंटीसिपेटरी ब्रिज क्या होता है समझो एक्चुअल ब्रिज जो भी डेट ऑफ परफॉर्मेंस थी फॉर एग्जाम्पल कि एक पर्टिकुलर इंसान दूसरे इंसान को अपनी कार पांच लाख रुपए में बेचना चाहता था और कार ट्रांसफर करने की जो डेट थी वो डेट थी मंथ की फर्स्ट तारीख मतलब फर्स्ट डे पे वो अपनी कार ट्रांसफर करने वाला था और उनके बीच में कॉन्ट्रैक्ट कब हो गया था आज से ठीक दस दिन पहले तो दस दिन पहले जब कॉन्ट्रैक्ट हुआ था उन्होंने बोला था कि परफॉर्मेंस कब देंगे हम लोग महीने महीने की की पहली पहली तारीख तारीख पे जैसे ही महीने की पहली आती है है उस दिन जिस पार्टी पार्टी को अपना ऑब्लिगेशन फुलफिल करना है, वो पार्टी मना कर देती है तो फिर वो माना जाता है एक्चुअल ब्रिज सर सरल शब्दों में यदि एक्चुअल को हम लोग समझे तो कैसे समझ सकते हैं ऑन द डेट ऑफ परफॉर्मेंस जब भी कोई पार्टी अपने ऑब्लिगेशन को परफॉर्म करने से मना करती है तो उस टाइप के ब्रिज को हम लोग ब्रिज बोलते हैं एक्चुअल ब्रिज बोलते हैं तो सर फिर एंटीसिपेटरी ब्रिज कौन सा होता है? बोले एंटीसिपेटरी ब्रिज ऐसा ब्रिज होता है जो डेट ऑफ से पहले ही पार्टी अपने इरादे नेक इरादों को जाहिर कर देती है कि भाई तेरे से जो बने वो कर ले हम इस कॉन्ट्रैक्ट को परफॉर्म तो नहीं करने वाले तो अब में, समय से पहले ही होता है तो ब्रीच जो होते दो हैं दोनों ही टाइप मैंने तुम लोगों के सामने नाउ नेक्स्ट जो टॉपिक अब हमारे सामने आने वाला है दिस इज समथिंग गोइंग टू बी वेरी वेरी इंपॉर्टेंट अभी सीएसईटी लेवल पे भी तुम्हारे काम आने वाला है एंड सीएसईटी लेवल के साथ साथ तुम लोगों को आगे सी एस एग्जीक्यूटिव में भी ये टॉपिक बहुत इंपॉर्टेंट है चार से छह नंबर का वहां पर डिस्क्रिप्टिव क्वेश्चन आता है और यहां पर भी पॉसिबिलिटी है कि एक हाथ क्वेश्चन तुम्हारे एग्जाम में आ सकता है टॉपिक का नाम क्या है इंडेमिनिटी एंड गारंटी अब इंडेमिनिटी एंड गारंटी ना अप उनका सबसे फेवरेट टॉपिक है दोस्त मतलब तुम्हारा भाई जो यहां पे खड़ा है ना इसका सबसे फेवरेट टॉपिक है इंडेमिनिटी एंड गारंटी और इस इंडेमिनिटी एंड गारंटी के लिए तो यार आई वांट कि हम लोग एक एग्जांपल ड्रॉ करेंगे तो चलिए दोस्तों इंडेमिनिटी के लिए हम लोग यहां पर एक एग्जाम्पल लेते हैं देखो तुम्हारे सामने एक्जाम्पल में तीन कैरेक्टर तुम लोगों को दिख रहे हैं पहले मैं कैरेक्टर्स को आइडेंटिफाई करवा देता हूं पहला कैरेक्टर है भाई प्रकाश दूसरा कैरेक्टर है जय और तीसरा कैरेक्टर है मानस प्रकाश जय के पास जाता है और बोलता है कि जय भैया एक हजार रुपये मुझे उधार दे दो जय ने बोला निकल यहां से पहली फुर्सत में अब चूंकि प्रकाश को एक हजार रुपए की अर्जेंट नीड थी अब प्रकाश जुगाड़ में लगा कि कैसे भी करके मुझे एक हजार मिल जाए प्रकाश प्रकाश ने ने क्या किया कि प्रकाश ने अपने म्यूचुअल फ्रेंड मानस से कॉन्टेक्ट किया और मानस चूंकि प्रकाश का भी अच्छा फ्रेंड है और मानस जो है वो जय का भी अच्छा फ्रेंड है और प्रकाश गया मानस के पास और मानस के पास जाने के बाद बोलता है कि हे मानस मुझे तुम जय से एक हजार रुपए दिलवा दो मुझे बहुत अर्जेंट नीड है तो ठीक है मानस और प्रकाश के बीच में जो भी डिस्कशन हुआ उसके बाद मानस ने जय को कॉल किया बोले हे hey, जय तुम प्रकाश को एक हजार रूपए दे दो आई विल पे यू ओ माई गॉड डायरेक्टली तुम लोग सुनो क्या बोला मानस ने जय को बोले गिव था रुपीज टू प्रकाश देन आई विल पे यू डायरेक्टली कौन पे करेगा मे में मतलब कौन मानस पे करेगा तो देखो ना हुआ क्या हुआ क्या हुआ क्या बोला कैसे इन्होंने बोले गिव रूपीज वन थाउजेंड टू प्रकाश I, मतलब मानस विल पे यू किसको जय को अब देखो ना यहां पर क्या हुआ जो जय है जिसने पैसे दिए हैं उस पार्टी को मैंने क्या नाम दे दिया है और जिसने गारंटी दी है बोलने की बात गलत है जनरली हम लोग इसको जनरल टर्म में गारंटी बोल देते हैं पर यहां पर गारंटी नहीं है जिसने इस चीज की कॉन्फिडेंस दिया है सामने वाले को कि हां भाई इसको एक हजार रुपए दे देख रुपए मैं तुझे पे करूंगा वो पार्टी कौन है मानस और मानस को मैं यहां पे क्या बोलूंगा फाइट. तो कौन 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 हो गया? मानस. फायर कौन हो गया गया मानस मानस जय जय किसको मिलेंगे को कौन देगा मानस देगा तो भाई इस टाइप के कॉन्ट्रैक्ट को मैं कौन सा कॉन्ट्रैक्ट बोलूंगा यहां पर कॉन्ट्रैक्ट ऑफ इंडेमिनिटी या कॉन्ट्रैक्ट ऑफ गारंटी सर ये जो एक्साम्पल एक्साम्पल कौन सा है कॉन्ट्रैक्ट ऑफ इंडेमिनिटी का है बिकॉज कॉन्ट्रैक्ट ऑफ इंडेमिनिटी में कितनी पार्टी होती है टू पार्टीज होती है वन इज इंडेमनीफायर एंड अनदर वन इज इंडेमनी

इफ uh, और देखो इफ को मैंने यहां पर अलग से डिक्टेट भी करके रखा है यदि इफ का मतलब क्या हुआ यदि प्रकाश इज नॉट एबल टू पे देन आई आई मतलब कौन मानस विल पे यू यू मतलब कौन जय तो मानस बोलता है जय को कि भाई यदि प्रकाश पे नहीं कर पाया तो फिर उस केस में कौन पे करेगा मैं पे करूंगा तो अब यहां पे पार्टी कितनी हो गई तीन ऊपर तो से थ्री पार्टीज है दैट इज प्रकाश मानस एंड जय तो प्रकाश कौन हुआ भाई प्रिंसिपल डेटर अल्टीमेटली पैसे इसी को तो देने हैं मानस कौन हुआ श्योरिटी या गारंटर एंड थर्ड जय कौन हुआ यहां पर क्रेडिटर आगे इन्होंने क्या बोला

तो फटाफट से एक बार, कर तो कर फट बार समप करते हैं कि भाई ये जो पांचों डिफरेंसेस क्या क्या बोला गया है तो चलिए शुरू करते हैं दोस्तों सबसे पहले यहां पर क्या बोला है कि इन कॉन्ट्रैक्ट ऑफ इंडेमिनिटी देर आर ओनली टू पार्टी एक होता है इंडेमनिफायर और दूसरा होता है इंडेमिफाइट कॉन्ट्रैक्ट ऑफ गारंटी में जो प्राइमरी लाइबिलिटी होती है वो प्रिंसिपल डेटर की होती है और सेकेंडरी लाइबिलिटी जो होगी वो किसकी होगी भाई यहाँ पर श्योरिटी की थर्ड पॉइंट में इन्होंने क्या बोला है द इंडेम्लीफायर नीड नॉट नेसेसरीली एक्ट एज अ रिक्वेस्ट ऑफ द डेटर लेकिन यहां पर श्योरिटी जो है वो किसके रिक्वेस्ट पर वर्क करता है श्योरिटी जो है वो यहां पर प्रिंसिपल डेटर की रिक्वेस्ट पर वर्क करता है फिर यहां पर इन्होंने बोला है भाई सिंपल सी बात है कि ये इट इज अ कॉन्टिंजेंट कॉन्ट्रैक्ट ये कॉन्टिजेंट कॉन्ट्रैक्ट टाइप का होता है ओके लेकिन यहां पर जो ड्यूटी है वो गारंटर को तभी परफॉर्म करनी है जब प्रिंसिपल डेटर जो है वो परफॉर्मेंस ना करे आगे इन्होंने बोला है कि जो है वो सूट फाइल नहीं कर सकता है थर्ड पार्टी के ऊपर लेकिन ऑन अदर हैंड श्योरिटी जो है वो श्योरिटी क्या कर सकता है यहां पर सूट फाइल वगैरह भी कर सकता है तो इस तरीके से हमारा ये इंडेमिनिटी एंड गारंटी वाला जो टॉपिक है एंड गारंटी वाला टॉपिक भी पूरी तरीके से खत्म होता है फटाफट से एक बार रिवाइज करते हैं कि आज के टॉपिक में हम लोगों ने क्या क्या डिस्कस किया है तो सबसे पहले हम लोगों ने देखा था डिस्चार्ज एंड टर्मिनेशन ऑफ कॉन्ट्रैक्ट सेकेंड हम लोगों ने देखा था कि डिस्चार्ज बाय इम्पॉसिबिलिटी एंड फ्रस्ट्रेशन थर्ड जो पॉइंट हमने इंपॉर्टेंट पॉइंट डिस्कस किया था दैट इज योर ऑफ कॉन्ट्रैक्ट जहां पर हम लोगों ने एंटीसिपेटरी ब्रिज और एक्चुअल ब्रिज पहले कायदे से बोलना चाहिए भाइयों एक्चुअल ब्रिज एंड देन डिस्कशन करना चाहिए एंटीसिपेटरी ब्रिज का फिर उसके बाद में हम लोगों ने बोला कॉन्ट्रैक्ट ऑफ इंडेमिनिटी एंड गारंटी ये गारंटी है क्ट ऑफ इंडेम गिटवीन इंडेमिनटी एंड गर्पिक को हम लोगों ने डिस्कशन किया था तो आज के लेक्चर में हम लोग इतना ही कवर करेंगे बाकी का डिस्कशन नेक्स्ट लेक्चर में करेंगे एंड तब तक के लिए आप इतना पूरा रिवाइज कर लो मिलते हैं हम लोग नेक्स्ट लेक्चर में टेक केयर गाइज